Good morning, students. Myself, Syed Ayyub Naqvi, Sandhurst Public School, Maths Lecturer, CBSE. आज हम पढ़ेंगे inverse function, right? Sin theta equal to x, तो theta equal to sin inverse x, called sin inverse x. First identity says sin theta equal to cos pi by 2 minus theta. Sin theta equal to x, x equal to cos pi by 2 minus theta, therefore cos inverse x equal to pi by 2 minus theta, theta equal to sin inverse x. Cos inverse x equal to pi by 2 minus theta, put value of theta, sin inverse x, transpose करेंगे यहाँ पर, sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. Similar, tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2, sec inverse x and cosec inverse x equal to pi by 2. Number 2, sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. Sin a plus b equal to cos को चेंज करेंगे sin में, sin a root 1 minus sin square b plus sin b root 1 minus sin square. Let sin a equal to x, sin b equal to y, तो a plus b equal to sin inverse, यहां वैल्यू पुट करेंगे x root 1 minus y square plus y root 1 minus a plus b equal to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. A की वैल्यू यहां पुट करेंगे sin inverse x plus b की वैल्यू यहां पुट करेंगे sin inverse y equal to sin inverse x root 1 minus y square plus y रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ये फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी आपकी आ गई. सिमिलर आप सेम बेसिक साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी डिफाइन कर सकते हैं. साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. थर्ड आइडेंटिटी आपकी कॉस ए प्लस बी. इलेवंथ क्लास में आपने डिस्कस किया इस पर खूब. साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. यहाँ साइन ए और साइन बी को चेंज करेंगे कॉस में, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी. लेट कॉस ए इक्वल टू एक्स और कॉस बी इक्वल टू वाई. ये दोनों वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, कॉस को ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ब्रैकेट एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. सिमिलर सेकेंड आइडेंटिटी इसकी होगी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई. कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, देखो यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. तो दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस चेंज है. थर्ड आइडेंटिटी आपकी है टेन ए प्लस बी. टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी. और टेन इक्वल टू एक्स टेन बी इक्वल टू वाई. आइडेंटिटी टेन ए प्लस बी की ना, इसलिए आप टेन इक्वल टू एक्स और टेन बी इक्वल टू वाई. तो ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स टेन आपको इधर जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. ए और बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. सेकेंड आइडेंटिटी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई. टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई. क्लियर है सबके? ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ये टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी से आइडेंटिटी. तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स फंक्शन आपके सिमिलर. ओके नेक्स्ट,
साइन 2 थीटा, 2 sin theta, cos theta. cos theta को चेंज करेंगे साइन पे, तो 2 sin theta और cos को चेंज करेंगे 1 minus sin square theta. पुट x इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा है, साइन थीटा की आइडेंटिटी, तो आप क्या करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 या x रूट, यहां भी आप x पुट कर देंगे तो x स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 minus x square. ओके, थीटा की वैल्यू पुट करो, यहां से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो 2 विच साइन थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 minus x square.